हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचल स्थान में आप सभी का स्वागत करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो मिले सबसे पहले। तो आज हम आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं वो चंबा का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और जिस मंदिर का नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर के प्रमुख मंदिरों में से एक है, और ये मंदिर समुद्र तल से 3301 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आप चंबा की सैर के लिए आते हैं तो आप इस मंदिर की यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आप चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको बता दें कि यह मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। यह दिन में 2 बार भक्तों के लिए खुला रहता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए चंबा जाने का सबसे अच्छा मौसम अप्रैल से अक्टूबर के बीच होगा, लेकिन अगर आप चंबा के अन्य पर्यटक स्थलों की सैर करना चाहते हैं तो मार्च से जून सबसे अच्छा समय रहेगा, क्योंकि इन मौसम में तापमान कम और सुखद रहता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर को 10वीं सदी में बनाया गया था। यह चंबा क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसे राजा साहिल वर्मा ने 920 और 940 ईस्वी के बीच अपने शासक काल के द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर शिखर शैली में बनाया गया था। मंदिर में कुल 6 श्राइन हैं, जिसमें हिंदू देवताओं की मूर्ति लगी हुई है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित यह मंदिर बेहद सुंदर है। इसके अलावा देवी गौरी, राधा की पूजा भी यहाँ की जाती है। मंदिर में मुख्य मूर्ति भगवान विष्णु की लगी है, जो एक दुर्लभ मार्बल में बनी हुई है। परिसर में अन्य मंदिरों में शामिल है राधा कृष्ण का मंदिर, जिसका निर्माण रानी शारदा ने 1825 में करवाया था। गौरीशंकर मंदिर, जिसे साहिल वर्मा के पुत्र युकर वर्मा ने बनवाया था, और चंद्रगुप्त का शिव मंदिर, जो कि साहिल वर्मा द्वारा बनाया गया था। इतिहास की माने तो इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति एक दुर्लभ संगमरमर से बनी थी, जिसे विंध्याचल पर्वत से लाया गया था। ऐसा बताया जाता है कि इस क्षेत्र के पूर्व राजा साहिल वर्मा ने संगमरमर लाने के लिए अपने 8 पुत्रों की बलि दी थी, और आखिरकार उनके सबसे बड़े पुत्र, जिनका नाम युक्कारा था, संगमरमर हासिल करने में सफल रहे। राजा पर भी लुटेरों द्वारा हमला किया गया था, लेकिन एक संत की मदद से उसने अपने आप को लुटेरों से बचाया था। तो आशा करते हैं जो जानकारी आज हमने आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।